विकास की कड़ी लगातार जुड़ती जा रही है, उसी कड़ी को और आगे बढ़ाने के लिए शहर के सभी प्रबुद्ध लोगों के साथ स्थानीय विधायक सह मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने एक संवाद कार्यक्रम का स्थापित किया। विकास की कड़ी जुड़ने में कितना सहायक? देखिए, ये मेरा एक हमें जो जब भी ये मैंने निरंतर इस तरह का कार्यक्रम करता रहता हूँ कि जो भी हमारे प्रबुद्ध नागरिकगण हैं उनके सुझाव विकास के लिए अहम है, क्योंकि एक व्यक्ति के दिमाग में सारी बातें नहीं आ सकती हैं। इसलिए मैं ऐसे कार्यक्रम आज संवाद के माध्यम से आज गढ़वा शहर के प्रबुद्ध हमारे जो वयोवृद्ध नागरिक लोग हैं उनको भी सम्मानित किया गया और सभी वर्गों के लोग आज यहाँ उपस्थित थे और सभी का अपना अपना जो सुझाव था वो आया और गंभीरता से हमने उसको देखा, सुना, अपनी बातें भी रखी और जो हमने काम किए हैं पिछले बार भी जब मैं बैठा था तो बहुत सारे सुझाव आए थे और हमने उस पर अमल करने की पूरी कोशिश की थी और बहुत हद तक सफलता भी मिली है। लगभग 90% जो पिछले बार जो सुझाव आए थे उसमें 90% हम सफल हुए हैं और इस बार भी बहुत सारे सुझाव आए हैं। आम जनों के सहयोग से बहुत सारे ऐसे काम होते हैं विकास के काम जिसमें आम जन की सहभागिता भी बहुत ज़रूरी होती है। मैंने लोगों से अपील की है कि आप लोग भी लोगों में एक जागरूकता लाने का काम करें ताकि हमारा शहर, हमारा ज़िला सुव्यवस्थित हो सके, सुरक्षित हो सके, विकसित हो सके, सुंदर बन सके। तो सभी लोगों ने आज अपने अपने सुझाव दिए और हम कौन-कौन से ऐसे विचार आए जो निश्चित रूप से बहुत जरूरी हैं लगातार हो? सबसे बड़ा पैमाना होता है एक कोई भी जिले का जो विकास का पैमाना वो होता है कि शहर सुंदर हो, विकसित हो, सुरक्षित हो। तो शहर को एक प्लान वे में कैसे अच्छा बनाया जाए, कैसे सड़कें अच्छी हों, कैसे शहर के जो हमारे गलियां हैं उनमें रोशनी की व्यवस्था हो, नालियों की साफ सफाई हो, जो पुल पुलियां हैं उनको दुरुस्त किया जाए, सारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो। इस पर सुझाव आए हैं और मैंने आश्वासन दिया सभी लोगों का कि सब लोग का मार्गदर्शन इस तरह मिलता रहे। और हम पुल को भी आपने प्रमुख बताया, मैं प्रयासरत हूँ कि डाड़ू पुल भी नए सिरे से इसका निर्माण कराया जाए। डाड़ू पुल बहुत पुराना हो चुका है और मैंने इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री को, विभाग के लोगों को मैंने लिखा है और हमें उम्मीद है कि हमें सफलता मिलेगी और एक नया डाड़ू का पुल बनकर तैयार होगा बहुत जल्द। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना किस तरह संवाद कार्यक्रम यहाँ पर स्थापित किया गया। राकेश जी एक मिनट राकेश जी, एक मिनट खाली। क्या आप संवाद कार्यक्रम कितना जरूरी? बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ माननीय मंत्री जी को कि वो हमेशा जनता के बीच में जुड़े रहना चाहते हैं। यह आज जो संवाद कार्यक्रम हुआ यह एक बहुत अच्छी पहल है। मैं माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ और लोग भी हैं जो इस संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिए थे, जिनके द्वारा अपनी बातें रखी भी गई थी, हम उनसे भी जुड़ेंगे। हमारे साथ ज्योति जी हैं जिन्होंने अपनी बातें रखी थी। ज्योति जी हमारे साथ ज्योति जी हैं, आप संवाद कार्यक्रम में यहाँ पर मौजूद रहे, कौन सी ऐसी बातें प्रमुख मांगे थे जिनके जो आपने रखा? मैं मुख्य रूप से यह कार्यक्रम के लिए साधुवाद देना चाहता हूं माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी को कि वह जनता के साथ अगर एक रिलेशनशिप डेवलप करते हैं तो उनको विकास कार्यों में ज़्यादा आसानी से इस विकास कार्य को कर सकेंगे। मेरा सबसे पहला डिमांड ये रहा कि हमारा जो मेन रोड है जिसके व्यवसायी आज ट्रैफिक जाम की वजह से परेशान है, जिससे उनका व्यवसाय में क्षति हो रही है, दोनों तरफ स्टील का रेलिंग लगाकर पैदल वॉक कर दें और जगह जगह पर पार्किंग की व्यवस्था कर दें जिससे कि लोग पार्किंग करके उसको जिंदा कर दें, तो बीच में अगर गाड़ी चल भी रही हो तो दुकानदार भाइयों का जो समस्या है वो निदान हो जाएगा। नंबर दो, सरस्वतिया नदी और दानो नदी दो मुख्य नदी है हमारे शहर को जुड़े हुए हैं, वो दोनों आज एक कचरा के अंबार से नदी नाला के रूप में परिवर्तित हो गया है। उसको गाड़वाल बना के शहर के नालियों का जो पानी उसमें जाता है उसे बाहर की ओर दे दिया जाए तो शहर की गंदगी से समस्या से निजात मिल जाएगा। जैसा कि मंत्री जी ने शपथ दिलाया कि स्वच्छ गढ़वा, सुंदर गढ़वा और स्वच्छ भारत के लिए 2 अक्टूबर के दिन गांधी जी के जयंती पर करना है, तो उसमें हम चाहें कि माननीय मंत्री जी इस कदम को माने और जल्दी से जल्दी इस कार्य को करेंगे जिससे हमारा गढ़वा स्वच्छ और सुंदर होगा। हमारे साथ तो प्रबुद्ध लोग जो संवाद कार्यक्रम में मौजूद हुए थे जिनको सम्मानित भी किया गया था। दादा, आप इस कार्यक्रम में आए मुख्य रूप से,
कार्यक्रम में, क्या कहेंगे, क्या क्या होना चाहिए शहर में? शहर में शहर का सुझाव होना चाहिए, सफाई होना चाहिए, सब जितना भी बात कहा गया है मंत्री जी से, रोड, नाली, नदी, सरस्वतिया नदी, इस जो है हम लोग का समय में जिस समय गर्मी काफ़ी पड़ती थी उस समय तो हम लोग मैंने 12 बजे दुकान बंद कर देते थे और फिर शाम को खोलते थे 4 बजे। अब अभी तो स्थिति नल्ला का हो गया है, नदी नाम का चीज़ें ख़त्म हो गया। हम लोग तो समाज में चाहते हैं कि समाज का उद्धार हो, समाज में गरीब लोगों का आगे का रास्ता बने। सही बात। हमारे साथ डॉक्टर मुरली जी हैं, गर्जन संवाद कार्यक्रम में आप मुख्य रूप से मौजूद रहे यहाँ पर, क्या कहेंगे, क्या होना चाहिए पर किस तरह? मैं अपना नाम बताना है? नहीं, नाम है, क्या होना चाहिए? ये कार्यक्रम हमको बहुत अच्छा लगा, माननीय मंत्री जी पिछले साल भी आज ही के दिन इस कार्यक्रम को रखे थे और उस समय जो हम लोग समस्याओं को उजागर किए थे कि गढ़वा में जन सुविधा का अभाव जो है क्या क्या होना चाहिए, अब आज बड़ी खुशी की बात है कि उसमें जितनी क्वेश्चन हम लोगों के द्वारा उठाया गया था उसमें लगभग 75% काम हो चुका है और आज भी हम लोग को जो समस्याएं थी उसको हम लोग रूबरू उनको कराए हैं और आने वाला समय में हम चाहेंगे कि मंत्री जी के द्वारा ये सारा काम हो जाएगा। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो भी रहा है और ये संवाद कार्यक्रम जो किया गया इसीलिए किया गया था कि शहर के लोगों का सुझाव मिले ताकि उस सुझाव पर अमल करते हुए स्थानीय विधायक सूबे के मंत्री मिथिलेश ठाकुर द्वारा पहल किया जाए और विकास रूप सरजमीन पर कार्य रूप ले। और साथ ही साथ हम एक लाइन जरूर यह कहना चाहेंगे कि जो भी विकास हो रहे हैं आगे जो भी होंगे वो हो निर्विवाद ताकि सार्थक हो इस तरह का कार्यक्रम संवाद। कैमरामैन मनीष लोहार के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा। अब आपके शहर गढ़वा में बड़े शहरों के तर्ज पर मिलेगी स्कूली शिक्षा। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल जो CBSE पर आधारित है, नामांकन प्रारंभ है, सीट सीमित है। हमारी विशेषताएं वेल प्लैनेट एकेडमिक क्यूरिकुलम, डिजिटल क्लासरूम फैसिलिटीज, एयर कंडीशनर क्लासरूम, हाईटेक कंप्यूटर लैब, आउटडोर एंड इनडोर गेम्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, इंग्लिश लर्निंग एंड लाइफ स्किल्स। हमारा पता है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, नारायणपुर टंडवा गढ़वा। संपर्क करें 9031 4747 50।